तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शानदार चेयर की, जिसको मैंने बहुत ही ज्यादा रिसर्च करने के बाद लॉन्ग टर्म तक रिसर्च करी और उसके बाद इस चेयर को फाइनली मैंने कर ही लिया क्या बुक, और बुक करके मेरे घर तक ये डिलीवर भी हो गई। डिलीवरी करने के बाद मैंने इसकी एसेसरीज को सब बिल्कुल जोड़ के बिल्कुल खड़ी कर दी है और चार पैरों पर ये खड़ी है और इसके ऊपर मैं बैठा हूँ। ठीक है, थोड़ी हंसी मजाक भी होनी जरूरी है। नहीं तो दोस्तों ये चेयर आपको बाय करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मुझे 3 दिन हो चुका है। शॉर्ट टर्म मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ इस चेयर का वो मैं आपको बताने वाला हूँ, 3 दिन के अंदर क्या एक्सपीरियंस किया। और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए तो बहुत ही अच्छे रहे, जिस हिसाब से मैंने इसको खरीदा था सेम वही चीजें मुझे मिली हैं दोस्तों, और बहुत ही शानदार रेस्ट। वाह वाह वाह, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो मतलब दोस्तों बहुत ही अच्छा है, मतलब आप लोग अगर लेंगे, ये मेरी डिसीजन नहीं है, ये आपका है ना, ये आपका डिसीजन रहेगा कि आपको क्या करना है, लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, पैसा आपका है दोस्तों, इसलिए मेरा काम है बताना। तो मैं एक एक चीज़ें बारीकी से बताऊंगा कि कैसे मेरे घर आया और कितनी टाइम में आया, हर एक चीज़ें आगे वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है क्योंकि यहां पर पूरी एसेसरीज कैसे जोड़ी मैंने इसकी, है ना, हर एक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और एक एक चीज़ें इसकी बिल्कुल बारीकी से मैं बिल्कुल स्लाइड करके आपको दिखाऊंगा हर एक चीज़ के बारे में। 3D आर्म रेस्ट है इसमें, बैक रेस्ट है और नेक रेस्ट है, बहुत ही शानदार ये मार्वल की चेयर है दोस्तों, आप भी बाय कर सकते हैं। और बहुत ही कम प्राइस में मैंने इसको परचेस किया है, कैसे किया अगर आपको पता करना है तो दोस्तों मुझे कमेंट करके स्पेशली पूछिएगा। ये चीज़ वीडियो में बताने लायक सही नहीं है इसलिए मैं इस चीज़ को वीडियो पर नहीं बताऊँगा। और इसको अगर कम दामों में आपको भी परचेस करना है तो जरूर DM करें इंस्टाग्राम पर चाहे यहाँ पर, जिस तरीके से मैंने परचेस किए कम दामों पर आपको भी दिला सकता हूँ। ठीक है, तो दोस्त अगर आप भी बाय करना चाहते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उनसे बात करिए, संपर्क करिए, उसके बाद ही इस चेयर को परचेस करिए जैसे कि मैंने किया। यहाँ पर कुछ दोस्तों प्रोसेस हो रहा है जो जरूरी है। तो दोस्तों अब हम लोग अपने बॉक्स को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद पूरी चेयर को असेंबल करके मैं दिखाने वाला हूं आपको, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। आपको भी असेंबल करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप नई चेयर परचेस करेंगे तो, वहां पर आपको इसी तरीके से चेयर मिलती है अलग अलग पार्ट में और आपको इनको असेंबल करना ही पड़ता है दोस्तों। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको कंपनी के किसी वर्कर से करानी पड़ती है और वो वर्कर आपके घर आएगा, तो दोस्तों आपको कुछ ना कुछ चार्जेस ज़रूर देने पड़ेंगे और आपको पे करना पड़ेगा कुछ ना कुछ अमाउंट। तो दोस्तों उस अमाउंट को बचाने के लिए हम लोग खुद असेंबल करेंगे और जिस तरीके से मैंने असेंबल करी है बहुत नॉर्मल स्टेप्स में आप लोग भी सीख लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने हैंड को लगाएंगे, हैंड को किस तरीके से लगाना और इसको लगाते समय किन बातों का ध्यान देना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। आपको राइट एंड लेफ्ट का ध्यान सबसे पहले देना, अगर आपने नहीं दिया राइट एंड लेफ्ट का ध्यान तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको दोबारा से खोल कर दोबारा से लगाना पड़ेगा दोस्तों, इसलिए राइट एंड लेफ्ट लिखा होता है तो उसको जरूर ध्यान दें। ठीक है ना, सही से कुर्सी को सीधी कर लीजिए और चेयर का जो ये बैठने वाला हिस्सा होता है इसको सीधा रखिए, उसके बाद राइट एंड लेफ्ट को देख लीजिए, उसके बाद ही दोस्तों लगाइए क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 3 नट होते हैं, उनको आपको फटाफट कस लेना और पूरा मत कसिएगा एक बार में। ठीक है ना, एक बार में कसेंगे अगर गलती होती है तो उसको फिर आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, और यहां पर बहुत ही नॉर्मल स्क्रू जो डेली यूज में आपके रहते हैं, जैसे कि नॉर्मल पेचकस यहां पर होना चाहिए, एक छोटा सा रिंच होना चाहिए और आप कुछ भी रख सकते हैं आपके घर में, जो भी मतलब सुविधाएं हों उनसे आप इसको कस सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है ना, नॉर्मल असेंबल कर सकते हैं, यहां पर आपको काफी पेमेंट करनी पड़ सकती है असेंबल करने के लिए दोस्तों। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं दिखा रहा हूं, तो आपको सेकंड हैंड भी लगा लेना जैसे कि मैं यहां पर लगा रहा हूं और मेरा दोस्त लगा रहा है। ठीक है, तो बस इसी तरीके से आपको सेकंड हैंड भी लगा लेना है, फटाफट मैं लगाता हूं और आप लोग देखते रहिए। और मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, ये चेयर को मैंने बहुत ही ज़्यादा दोस्तों रिसर्च करने के बाद बाय किया, आप लोग भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है और वहाँ से इनकी साइट से विजिट करके और इस चेयर को परचेज़ कर सकते हैं। और इसी चेयर को क्या बहुत सी चेयर वहाँ पर हैं आपको अवेलेबल मिल जाएंगी आपके लायक, कुछ कम में किसी को चाहिए होगा, कुछ ज़्यादा पैसों वाले होंगे तो उनको ज़्यादा में चाहिए होगा। ठीक है ना, तो हर तरीके की चेयर मिल जाएगी। अब दोस्तों इसको आपको जब कंबाइंड करना होगा तो दोस्तों आपको चेयर उल्टी करके रख लेनी है। ठीक है ना, तो यहाँ से ज़्यादा आसानी रहेगी, उल्टी चेयर करके रखेंगे तो आसानी आपको ज़्यादा हो सकती दोस्तों। तो दोस्तों अब यहां पर आपको रिंच के द्वारा इसको कस लेना है और रिंच के द्वारा कसने के बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे कि मैं कस रहा हूं उसी तरीके से आप लोग भी कस लीजिए। अब हम लोग यहां पर अपना व्हील का सिस्टम को उठाते हैं और पूरा पूरा यहां पर फिट कर देते हैं दोस्तों। अब इस चेयर को हम लोग खड़ी करेंगे क्योंकि यहां पर हम लोग के काम लगभग हो गए और यहां पर मैंने सही तरीके से इसको लगा दिया दोस्तों। अब चेयर को खड़ा करना बाकी और हम लोगों ने चेयर को खड़ा करके देख लिया दोस्तों, तो सारी तरीके से हमारा 3D आर्म रेस्ट भी है। ये देखिए जैसे कि मेरा 3D आर्म रेस्ट है, ये राइट लेफ्ट सब तरफ घूम जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो नो प्रॉब्लम, देखिए जैसे मैं घुमा रहा हूं उसी तरीके से ये राइट लेफ्ट घूमता रहता है और ये पूरी चेयर हमारी तैयार होकर व्यू इस तरीके से दिख रहा है दोस्तों।
हमारी चेयर का दोस्तों ओवरऑल व्यू इस तरीके से दिखने वाला है, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत ही शानदार चेयर लग रही है दोस्तों, और बहुत ही अच्छी अच्छी इसकी एसेसरीज है। मैं पूरी एसेसरीज के बारे में बताऊँगा, एक एक पार्ट के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले चलते हैं सिटिंग पोजिशन पर, जहाँ पर हम लोगों को बैठना होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा है, मेस फैब्रिक है, और बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पर लगी हुई है। जो नेट यहाँ पर लगा हुआ है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, प्रीमियम क्वालिटी का है, मुझे ऐसा महसूस होता है दोस्तों। तो दोस्तों आर्मरेस्ट के ऊपर चलते हैं। आर्मरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक चेयर का, जैसे कि ये चेयर का आर्मरेस्ट 3D है। 3D बोले तो पूरा रोटेशन करता है, अप डाउन एंड राइट एंड लेफ्ट हर एक चीज़। जैसे कि पतले मोटे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, कुछ लोग हेल्दी होते हैं कुछ लोग नॉर्मल होते हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पुश करेंगे तो अप हो जाएगा और एंड डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है उसका। और दोस्तों ये चेयर को लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ पर जाके परचेस कर सकते दोस्तों। और इनके मैनेजर जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, मेरी उनसे बहुत ही ज़्यादा बात हुई है और बात करने में बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलकर। और आप लोग भी उनको मिलिए और उनसे मिलने के बाद उनसे बात करिए, पूरी हेल्प वो आपकी करेंगे चेयर में, ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पर अप एंड डाउन करके आप इसको स्लाइड करके इधर उधर भी कर सकते हैं, तो पूरी एडजस्टेबल है ना, तो ये कंप्यूटर के लिए बहुत ही बेस्ट है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों बैक मटेरियल की। बैक मटेरियल इसका बहुत ही शानदार मटेरियल है, इन लोगों ने जो भी चीज़ यूज़ करी है दोस्तों, ये मैस जो भी यूज़ किया गया है, नेट जो भी यूज़ किया गया है, बहुत ही अच्छा नेट है। और यहाँ पर अच्छे नेट की खासियत ये होती है, आपको पसीना नहीं आएगा, आपको उभन नहीं होगी, और बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप लॉन्ग टर्म तक अगर इसको यूज़ करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली दोस्तों। बहुत ही अच्छा मटेरियल यूज़ है और 2 साल की वारंटी के साथ ये आपको मिलता है, कटे फटे कुछ भी हो इनकी वारंटी रहेगी दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे हेडरेस्ट की। हेडरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर लॉन्ग टर्म तक आप इसको यूज़ करते हैं, सिटिंग को यूज़ करते हैं, बैठते हैं, कुछ भी वर्क करते हैं तो आपका हेड पेन होने लगता है, तो इसलिए ये पूरा एडजस्टेबल है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, मैंने दिखाया नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं लंबर सपोर्ट की। लंबर सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी को डिस्क बल्ज वगैरह रहता है तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैक पेन वाले पेशेंट बहुत ही ज़रूरी इस चेयर को बाय करें दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे व्हील्स के बारे में। व्हील्स दोस्तों बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लगे हैं, क्योंकि मैं पिछले 3 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में मुझे बहुत ही अच्छा रोटेशन मिला है इन व्हील्स के द्वारा। व्हील्स की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, आप देख सकते हैं कितना साइन मार रहे हैं, और मटेरियल भी बहुत ही शानदार यूज़ हुआ है दोस्तों, जो आपको अच्छे से रोटेट करेगा।